ओके तो इस वाली वीडियो में चलिए बात करते हैं डाटा लिंक लेयर यानी कि लेयर टू की दो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास जो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में बहुत काम आती हैं। एक है CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल जो सिस्को की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है और एक है आपकी लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल LLDP जो ओपन सोर्स है IETF की डिज़ाइन की हुई है राइट। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। जो CDP है दैट इज सिस्को प्रोप्राइटरी ओके इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा पहले तो ये समझिए करती क्या है दोनों प्रोटोकॉल। CDP और LLDP का काम है मान लो अगर मैं एक यहाँ पे लेता हूँ नेटवर्क मैं लॉगिन करता हूँ पैकेट ट्रेसर में तब तक थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे एक सिस्को का डिवाइस बाकी कितने सिस्को के डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है अगर उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन से पोर्ट पे जुड़ा है किस IP से उसका मैक एड्रेस क्या है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है राइट। तो उसके लिए आप एक ये लेयर टू की प्रोटोकॉल यूज़ करते हो जिसको बोलते हैं CDP। यही काम करना है अगर आपको सिस्को के अलावा किसी और वेंडर के डिवाइसेस के लिए राइट तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं LLDP राइट। ठीक है तो ये लिखा मैंने किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। ट्रबल शूटिंग में ये बहुत हेल्प करता है। मान लीजिए एक लोकेशन ऐसी है जहाँ पर कोई इशू आया है और आप वहाँ पे नहीं हैं अगर किसी सपोर्ट इंजीनियर को वहाँ पे भेजते हैं तो ये बता देगी आपको ये वाली जैसे ही प्रोटोकॉल रन करेंगे कि भाई कौन से मॉडल का स्विच है राइट किस पोर्ट पे कनेक्टिविटी है। तो वो देखिए पूरे स्विच की कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना और एक कहाँ पे एक सिंगल पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना और उसको ठीक करना राइट आप समझ पा रहे हैं। तो वो एग्जैक्ट आपका पार्ट बता देती है CDP एंड LLDP ओके। तो कैसे कॉन्फ़िगर करना और वो सब हम देखेंगे। तो CDP की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो मान लो मैंने क्या किया जैसे ये एक राउटर लिया है और ये सिस्को के डिवाइसेस नॉट जस्ट स्विच और राउटर कोई भी सिस्को का डिवाइस हो ये उस पर एप्लीकेबल है। और ये एक मैंने सिंपल सी टोपोलॉजी ली है यहाँ पे राइट और ये लेयर टू की प्रोटोकॉल है इसका मतलब इसको IP की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एक बार कनेक्टिविटी कर देते हैं हम। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिए जो CDP है वो सारे के सारे सिस्को के डिवाइसेस में ना बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है राइट। आपको खुद से इसको कॉन्फ़िगर और ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट हाँ जो LLDP है उसको आपको रन करना पड़ेगा कमांड के थ्रू। ठीक है तो ये पूरा होने देते हैं। अब राउटर को हमें नो शट ज़रूर करना पड़ेगा राइट। IP चाहे अपने को ना चाहिए होती हो पर लेकिन लिंक की कनेक्टिविटी अप होनी ज़रूरी है। चलिए फैंटेस्टिक। अभी हम क्या करते हैं देखिए जैसे किसी भी स्विच पे जाएंगे तो उसके सेकंड मोड में जाके कमांड चलाइए शो CDP नेबर्स राइट। यहाँ से आप देखिए इस स्विच पे जो इसका इंटरफेस FA0/1 है सी दिस वन इससे क्या जुड़ा है आपका 2960 स्विच है और उसके भी पोर्ट 0/1 पे। तो देखते हैं तो ये बता रहा है कि कैपेबिलिटी कौन सा डिवाइस है उधर स्विच है प्लेटफॉर्म कौन सा है मीन्स मॉडल 2960 और उसके किस पोर्ट पे लगा है 0/1 पे। तो ये बहुत आसान कर देता है आपके नेटवर्क में जो उसका ट्रबल शूटिंग वाले पार्ट है उसको। ऐसे ही आपके 0/2 पे जितने भी स्विचेस जितने भी राउटर किसी भी पोर्ट पे जैसे ये बता रहा है कि 0/3 पे क्या जुड़ा है राउटर और कौन सा है ISR 4300 सीरीज का है और सामने वाला पोर्ट कौन सा यूज़ हो रहा है आपका गिग 0/0/0 इस तरह से। अब चलिए राउटर पर चलते हैं और यहाँ पे भी अगेन शो CDP नेबर्स राइट। राउटर का सिर्फ एक ही पोर्ट यूज़ हो रहा है कौन सा गिग वाला और कैपेबिलिटी मीन स्विच लगा ये और किस इंटरफेस पे FA0/3 पे सी दिस वन। आई होप ये क्लियर है आपको सॉरी। अच्छा अभी क्या है कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट मैंने बताया आप इसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है। फिर भी अगर किसी स्विच पे या किसी डिवाइस पे किसी ने डिसेबल किया और आपको फिर आप दोबारा रन करना चाहते हैं उसको इनेबल करना चाहते हैं तो देखिए CDP को रन करने की कमांड सिंपल CDP रन दैट्स इट। हटाना है इसको डिसेबल करना है तो नो CDP रन। ये बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में क्वेश्चन और एग्ज़ाम में भी आता है ऐसे आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे सिमिलर से दिखने वाले तो ये याद रखना है CDP रन है कमांड CDP इनेबल नहीं है। वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा और आप कंफ्यूज होंगे कि यार CDP इनेबल था या CDP रन था। सो द कमांड इज CDP रन राइट और हटाना है उसको डिसेबल करना है तो नो CDP रन। अच्छा ये तो है कि आपका मान लो ग्लोबल इंटरफेसिस मीन्स अगर आपने राउटर के थर्ड मोड में नो CDP रन कर कमांड चला दी जैसे इस वाले में
अब इसने क्या है, सीडीपी, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल देता हूँ क्या करेगा ये। जैसे सीडीपी यहाँ पे आपको मिलेगा, एंटर करो जस्ट, इतना देख पा रहे हैं, सेंडिंग सीडीपी पैकेट्स एवरी 60 सेकेंड्स। तो हर 60 सेकेंड में इसका हेलो टाइमर कितना हुआ, 60 सेकेंड। होल्ड डाउन टाइमर कितना हुआ इसका, 180 सेकेंड। तो उतने टाइम जैसे 60 सेकेंड पूरे हो जाएंगे ना, तो ये अभी जो राउटर है उधर से एक एडवर्टीजमेंट आएगी कि भाई सीडीपी का प्रोसेस बंद हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, अभी तो चल रहा है ना 60 सेकेंड, आई थिंक अभी तक नहीं हुए होंगे। तो जैसे ही ये वाला पीरियड पूरा होगा आपका, तो ये वाले मैसेजेस उधर से आने बंद हो जाएंगे आपके। अब देखिए, देख पा रहे राइट। तो ये कुछ ऐसा है कि सीडीपी अगर आप इनेबल रखते हैं तो आपको उधर से मैसेजेज आएंगे, आप उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। और अगर आपने सीडीपी कर दिया है डिसेबल, जैसे मैं एक बार इसको सेव करता हूँ और दोबारा से, ताकि हमें टाइम का वेट ना करना पड़े। ओके, दोबारा से ऑन करते हैं। तो मैं अभी दिखा क्या रहा हूँ आपको कि अगर आप नो सीडीपी रन कर देते हैं तो वो पैकेट जाएंगे कि नहीं, मीन सीडीपी रन कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, तो ये वेरीफाई करना है हमने। सो सीडीपी ये वाले हैं हमारे पास, टोपोलॉजी, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो इस पे हमने सीडीपी बंद की हुई थी, तो देखते हैं राउटर के पास उस स्विच की इंफॉर्मेशन आएगी या नहीं आएगी। राइट, शो सीडीपी नेबर्स, सी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी इस वाले स्विच से। देखो, मैं अगर इस राउटर के साथ एक और राउटर लगा दूं या एक और स्विच लगा दूं, देखना ध्यान से आप लोग, तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन तो देगा मुझे, लेकिन इस स्विच की जिसमें मैंने सीडीपी डिसेबल की हुई है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। राइट, अब मैं क्यों आपको इतना डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यूज़ में, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अभी केबल नहीं बची तो एक साइड का ही देख लेते हैं। तो गिग 0/1 को हम क्या करते हैं, ऑन, और उधर से भी गिग 0/0 को हम करते हैं ऑन। सॉरी, चलिए, तो जैसे आप इस राउटर पे जाएंगे सेकंड मोड में, शो सीडीपी नेबर कमांड चलाएंगे, तो देखिए आपको उधर वाले साइड का तो दिखेगा जहाँ पे राउटर लगा है, लेकिन स्विच के साइड का नहीं दिख पा रहा है। इसको बोलते हैं सीडीपी को ग्लोबली बंद करना, मीन्स इसके सारे तीनों इंटरफेस पे बंद हो गई होगी। चेक कैसे करें, इस वाले स्विच पे जाएंगे, इस पे भी आपको सीडीपी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे शो सीडीपी नेबर्स, तो ये देखिए नहीं है। अच्छा, अभी हम एक और क्या काम कर सकते हैं कि पर इंटरफेस, किसी सेंसिटिव इंटरफेस, मान लो आपने लैन की साइड इनेबल रखा, वैन की साइड वाले इंटरफेस पे सीडीपी बंद कर दिया, उसके लिए क्या करें, मान लो FA0/3 पे बंद करना है मुझे सिर्फ। राइट, तो ग्लोबली पहले मैं रन करता हूँ सीडीपी को, क्या कमांड थी, यस सीडीपी रन, डन हुआ। उसके बाद इंटरफेस के अंदर जाइए आप, जिस पे भी आपको डिसेबल करनी है, यहाँ पे लिखेंगे नो सीडीपी इनेबल, डन। तो इससे क्या हुआ, हमने इस वाले एक सिंगल इंटरफेस पे सीडीपी के पैकेट्स को एडवर्टीज करना बंद कर दिया। इसका मतलब अब ये वाला राउटर इसके बारे में नहीं जान पाएगा, दिस इस स्विच की इन्फॉर्मेशन के बारे में, बट हाँ ये वाला स्विच और ये वाला स्विच जान पाएगा। चेक करते हैं, तो CLI इनेबल शो सीडीपी नेबर्स, देखिए दिखा दे रहा है, स्विच है, फास्ट इथरनेट 0/1 पे लगा है, 2960 है, इसमें जो पहले नहीं दिखा रहा था ये भी अभी दिखाना शुरू करेगा। सी पहले नहीं आ रही थी आउटपुट, अभी आ रही है, लेकिन जैसे ही राउटर पे जाएंगे ना, राउटर पे अभी भी स्विच का कोई जिक्र नहीं मिलेगा आपको। देखिए 2960, तो एक बार मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, आई डोंट नो पैकेट ट्रेसर का इशू है या कैसे। तो सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, एक बार दोबारा से ओपन करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, जिस भी इंटरफेस पे आपने सीडीपी डिसेबल की है उससे एडवर्टीजमेंट नहीं जाने चाहिए। राइट, या फिर हो सकता है हमने कमांड गलत चलाई थी, एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल ओ सीडीपी फास्ट फॉरवर्ड, राउटर पे जाएंगे हम सेकंड मोड में। राइट, शो सीडीपी नेबर, ये देखिए। राइट, तो वो थोड़ा सा पैकेट ट्रेसर का ग्लिच है ये,
तो एक साइड जिधर आपने CDP को डिसेबल किया था उधर कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं जाएंगे, सिर्फ जिस भी साइड पे इनेबल्ड है CDP उधर ही आपका रहेगा। सो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर है रिगार्डिंग CDP। तो CDP एक ट्रबल शूटिंग में हेल्पफुल प्रोटोकॉल है। पहली बात ये है सिस्को की आपकी प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है, दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ग्लोबली मीन्स सारे इंटरफेसिस पे इसका फ़र्क पड़ेगा, और एक है पर इंटरफेस मीन्स जिस पे कॉन्फ़िगर करोगे सिर्फ उसी पे फ़र्क पड़ेगा, राइट। वेरिफिकेशन के लिए कुछ कमांड्स हैं जो आप रन करके देख सकते हैं। अगर उसके टाइमर्स वगैरह देखने हैं तो नॉर्मल शो CDP और शो CDP नेबर्स, अगर आपको देखना है कि किस इंटरफेस पे कौन सा डिवाइस कौन सा मॉडल और किस, राइट, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, नेबर की डिटेल्स देखनी है, राइट। जैसे अगर आप इस पे कमांड रन करते हो शो CDP नेबर डिटेल, देखिए उसमें ना आपको मैक एड्रेस क्या है, सामने वाले डिवाइस का ड्यूप्लेक्स की सेटिंग क्या है, उसकी IP अगर कॉन्फ़िगर्ड है मैनेजमेंट IP, तो सारे के सारे आपको डिटेल यहाँ पे देखिए, उसका iOS का वर्जन, राइट, ये देखिए ज़रा पोर्ट ID है आपका और iOS की डिटेल्स हैं। अगर यहाँ पे कोई IP वगैरह कॉन्फ़िगर्ड होती मैनेजमेंट IP तो वो भी यहाँ पे दिखा देता, राइट। तो ये कुछ है आपका CDP के बारे में। ऐसे ही है LLDP, देखिए लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब ज़रूरी नहीं है, देखिए कभी भी आप काम करने जाएंगे किसी भी नेटवर्क में ऐसा कभी नहीं मिलेगा, रेयर केसेस होंगे कि जहाँ पे आपको एक ही वेंडर के एक ही कंपनी के डिवाइसेस मिले, ज़रूरी नहीं है। किसी कंपनी की फायरवॉल अच्छी है, किसी का कोर स्विच अच्छा है, किसी का वायरलेस कंट्रोलर अच्छा है, तो एक ब्लेंडेड एनवायरनमेंट रहता है, जिसका जो डिवाइस अच्छा हो आप वो यूज़ करेंगे और ऐसी प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे जो ओपन सोर्स हो। तो ऐसे ही एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है LLDP जो CDP की जगह काम कर सकती है, अगर आपके पास सिस्को के अलावा बाकी डिवाइसेज हैं तो, राइट। बाकी सारी चीज़ें सेम है, थियोरेटिकल आप पढ़ लेना एक बार, और कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ CDP की जगह आपको LLDP लिखना है, सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। हाँ, ये चीज़ ज़रूर याद रखिए, कुछ नेटवर्क के जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि ये आपकी ना थ्रेट है आपके नेटवर्क सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि कोई और अल्टरनेट अगर मेथड आप यूज़ कर सकते हैं तो करिए, और CDP या LLDP को आप डिसेबल्ड रखिए, राइट। तो वो देखिए कि आप किस तरह का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, कितना आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने डिवाइसेस पे भरोसा है, राइट, या फिर अपनी कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज पे, नेटवर्क पॉलिसीज, एवरीथिंग दैट मैटर्स, है ना। तो वो देखिए कि आप कोई और अल्टरनेट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं या फिर CDP या LLDP, या फिर हो सकता है कि आप ट्रबल शूटिंग के लिए कोई अप्रोच ही अलग यूज़ कर रहे हो, तो यस इट कैन हैपन ऑल्सो। तो ये LLDP की वेरिफिकेशन है, हर जगह आपको CDP की जगह सिर्फ क्या लिखना है, LLDP। ओके, तो इस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है लेयर टू की दो प्रोटोकॉल्स हैं आपकी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में जो काम आती है, CDP एंड LLDP। सो आई होप कि दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू गाइज, एक क्विक सी वीडियो थी हमारे पास, और कई बार आ जाता है क्वेश्चन इसका एग्जाम में, अक्सर देखा है मैंने, और इंटरव्यू में भी यस पूछा जाता है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।